सो द स्टूडेंट्स चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रिसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी. यानी कि जो रेजिस्टिविटी का रिसिप्रोकल है वही होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. The inverse of the resistivity of a conductor is called its electrical conductivity. That is, electrical conductivity is equal to 1 upon rho. ये है electrical conductivity and this is specific resistance or you can say resistivity. This is equation number 1. The SI unit, जो इसकी SI unit होगी उसी को आप जब ऊपर ले जाएंगे reciprocal हो जाएगा. ऐसे generally क्या होती है रेजिस्टिविटी की? क्या होती है? ओम मीटर होती है, ओम डैश मीटर. तो अगर हम यहाँ ओम डैश मीटर लिखेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम का हो जाएगा मो पर मीटर या एस कैपिटल एस सीमेन पर मीटर. डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आइए. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा? सिंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ और 1/ρ इज इक्वल टू ये होता है. अब डायमेंशन लिखा मैंने n का l क्यूब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ठीक है ना. e का हो गया q इज इक्वल टू it होता है चार्ज, तो e का हो गया at और रिलैक्सेशन टाइम का t और मास का ये हो गया m. सॉल्व किया इसको मैंने तो गेट द रिजल्ट एज दिस वन m माइनस 1 l माइनस 3 t के पावर 3 a स्क्वायर. अब आइए रिलेशन बिटवीन, ये जान रहे हैं क्या है? जे सिग्मा एंड ई. तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हो गई करंट डेंसिटी जे. जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई बाई ए, करंट अपॉन एरिया. जे करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ई में क्या रिलेशनशिप है? हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी होता है. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मैंने ड्राइव कराया था. तो एन ई ए को ये मैंने लिखा, बी डी की जगह ये वैल्यू लिख दी, ये भी ड्राइव्ड है ऑलरेडी. इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट दिस रिजल्ट. नाउ अब आप ए को यहां आई के नीचे ले आइए तो आई बाई ए हो जाएगा. तो ए इधर चला आया तो अब बचा क्या? केवल एन बचा ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एन, तो ये आ गया. जे इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई बाई ए. तो इसका स्थान ले लिया जे ने. रो इक्वल टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक. तो क्या हो गया ये ई? तो ये ई आ गया और इसको आप रिसिप्रोकल कर दीजिए तो ये रो था तो ये 1/ρ, इसी को उलट के रख दिया हमने, ये आ गया तो 1/ρ आ गया. और 1/ρ क्या? रो क्या होता है? 1/ρ होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आया सिग्मा. देयरफॉर जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट इज माइ, ये जो हमने ड्राइव किया है फॉर्मूला, इट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ का, ध्यान रखिएगा. आइए पेज नंबर 2 पर. कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस 10th क्लास से पढ़ रहे हैं. रेजिस्टेंसेस को दो प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, वो सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए मैंने R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेस लिए हैं. ये सेल लगाया है मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये करंट फ्लो कर रहा है आई. इसमें मैंने ए और बी पॉइंट के बीच में इन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है. मान लिया इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी. नाउ एज्यूम that the potential difference across R1 is V1, potential difference across R2 is V2, potential difference across R3 is V3. यही मैंने नोट्स में लिखा है. तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, therefore V is equal to क्या होगा? V1 plus V2 plus V3. This is equation number 1. Okay? तो ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा. कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहलाता है? कोई भी कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन तब कहलाता है
जब उनमें सेम करंट फ्लो करता है, एक ही मैग्नीट्यूड का सेम करंट फ्लो करता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी होगा तब भी सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, आइए पेज नंबर 3 पर। अब आप R1, R2, R3 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाइए तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा IR1, V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ, V2 इज इक्वल टू क्या होगा IR2, तीसरे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3 इज इक्वल टू IR3। अब इन वैल्यूज को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, V इज इक्वल टू V1, तो V1 की जगह ये आ गई, V2 की जगह ये वैल्यू आ गई, V3 की जगह ये वैल्यू आ गई, नंबर 2 बन गया। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए उन तीनों रेजिस्टेंसेस की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस R अप्लाई कर देते हैं A और B पॉइंट के बीच, सच दैट द सेम करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द रेजिस्टेंस R एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज V, ओके, बाय द सेम सेल हुज EMF इज E, देन अप्लाइंग ओम्स लॉ अगेन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अब आप A और B के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस R रख दीजिए, सेल ये है, करंट I फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का अभी है, तो यही V इज इक्वल टू क्या हो गया I into R हो गया। बच्चों ये I फ्लो कर रहा है, V इज इक्वल टू I into R हो गया, क्लियर? ये भी V सेम, ये भी V सेम, क्योंकि A और B पॉइंट के बीच तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, हमने वो तीन R1 R2 R3 की प्लेस पे एक R रख दिया जिसका सम, जिसका मैग्नीट्यूड इसके अकेले के बराबर है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कंपेयर कर देंगे, तो ये दो और तीन को कंपेयर करेंगे तो IR इज इक्वल टू ये आ गया, I कॉमन निकालिए, I कैंसिल आउट कीजिए, देयरफॉर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द सम ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। थैंक यू।